खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौट आए हैं। अभिनंदन की वापसी पर पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी पार्थसारथी से बात की है। पार्थसारथी का कहना है कि पाकिस्तान आगे भी नहीं सुधरने वाला। जी पार्थसारथी के साथ एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। विंग कमांडर अभिनंदन अपने देश वापस लौट रहे हैं और इसको लेकर के पूरे देश में खुशी का माहौल है। आखिर अभिनंदन की 3 दिनों के अंदर वापसी संभव कैसे हुई? हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जी पार्थसारथी, जो खुद पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। पार्थसारथी जी, बहुत खुशी है पूरे देश में। देश जानना चाहता है कि आखिर अभिनंदन की वापसी इतने 3 दिनों के अंदर कैसे हुई? स्वाभाविक है। एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद यहां पिछले 35 साल से चल रहा है और हमने ये उपाय कभी नहीं ढूंढा जिससे उन पर बेहतर ज्यादा से ज्यादा दबाव है आतंकवाद के रास्ते छोड़ने के लिए। मैं समझता हूं कि सराहनाजनक है कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसने कूटनीति की ये जो तरीके हैं बहुत ही जल्द सीख लिया है कि पाकिस्तान पर दबाव कैसे लाएं, पाकिस्तान की कमियां क्या हैं और उसका उपयोग हम कैसे करें। अब अगर आप आज देखें तो पाकिस्तान के का तो पैसा है ही नहीं। अब सऊदी अरब को जाता है, अमेरिका को जाता है, आईएमएफ को जाता है पैसे की खोज में। एक किस्म से बैंकरप्ट हो गया है, तो इसका हमने फायदा उठाया। दूसरी बात ये, लोग पहचानने लगे पाकिस्तानी मतलबी हैं। अगर वो कुछ करें तो कुछ अनुभव करते हैं कि उन चाहते हैं कि उसके बदले में उनको कुछ किया जाए। हम तो अगर कुछ करते हैं हम अच्छे रिश्ते के लिए करते हैं। इसीलिए ये पहली बार है हमारे इतिहास में जब हमें इस तरह का समर्थन मिल रहा है सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान जैसे देशों में, जो हमें कभी नहीं मिला है। तो अगर आप पूछें कि क्या कारण है कि इतना जल्दी से हम कर सके, ये दबाव लगा सके, ये अपनी कूटनीति की क्या एक सफलता का प्रतीक है। उसके अलावा ये संदेश अब चले गया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो जो जवाब होगा वो सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक हो सकता है और अगर जरूरत पड़े तो सैनिक भी हो सकता है। खुद उनके विदेश मंत्री ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान पहली बार इस तरह के किसी मंत्री ने स्वीकारा कि मसूद अजहर हमारे यहाँ है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो बहुत बीमार है वगैरह वगैरह। तो जब उनके यहाँ है तो आपको लगता है कि उस मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, वो कह रहे सबूत दो, जबकि वो तो घोषित आतंकवादी है। अरे भाई, इमरान खान के जो समर्थन है वो उत्तर पूर्वी प्रांत के दियोबंदी हैं, मसूद अजहर भी दियोबंदी हैं, उसको इमरान आसानी से कैद नहीं कर सकता या कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन अलग थलग करने की क्षमता है और वो क्षमता उसमें नहीं है, सेना में है। याद रखें कि निर्णय सेना लेती है, दबाव सेना पर रहना चाहिए। मंत्री का जो बयान आया मीडिया में कि मसूद अजहर है हमारे यहाँ, इसको आप कैसे? अरे वो मंत्री खुद इस इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने का वो को के खोज में है वो मंत्री, विदेश मंत्री नालायक है, तो इससे ज्यादा महत्व मत देना। जब कारगिल युद्ध हुआ था सर, हमारे एक पायलट नचिकेता पाकिस्तान में फंस गए थे और उनकी एक हफ्ते के अंदर वापसी हुई थी, उस दौरान आप उच्चायुक्त थे वहां पर, हालांकि एक पायलट आहूजा लौट नहीं पाए थे। हाँ। उस दौरान क्या कुछ हुआ था, नचिकेता की वापसी कैसे मुमकिन हुई, आहूजा क्यों नहीं लौट पाया? आप आहूजा के जहाज जो गिरा वो किसी और इलाके में गिरा, नचिकेता के जहाज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुआ और कैद किया गया, हालांकि उसने कोशिश की कि निकल जाए, नहीं निकल।